साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था, विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युतते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का हो, ये उब लइए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला।